वेलकम वेलकम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को आफरीन का सलाम। आज देखिए मेरे किचन में बनने वाला है करेले का सालन। ये देखिए कम मसाले से बना हुआ करेले का सालन। आइए देखते हैं बनाने का तरीका। करेला मसाला करी के लिए हमें चाहिए फर्स्ट करेला। ये देखिए हमारे करेले साहब आ गए हैं। इनको अच्छे से पील ऑफ करना है, फिर ऐसे कट करना है। इनको वॉश करना है 2-3 वाटर से। और देखिए थोड़ा बहुत सॉल्ट एंड टर्मरिक पाउडर हल्दी पाउडर ऐड करना है और इनको 15-20 मिनट्स बॉयल करना है। ये देखिए इन्हों बॉयल हो गए हैं। चलिए अब मसाले की तैयारी करते हैं। ये देखिए प्याज, जीरा, तिल, धनिया, फल्ली, खोपरा हमारा कटा हुआ आ गया है सामने। फिर देखिए इमली को भिगाना है, टैमरिंड को भिगाना है। ये देखिए उबले हुए करेले को हम वॉश करके बाजू में रख देंगे। अब देखिए फल्ली 2 स्पून लेना है, रोस्ट करना है, इसमें डाल देना है। फिर देखिए तिल भी 2 स्पून लेना है, रोस्ट करना है, फिर इसमें ऐड कर दिए। लाइन बाय लाइन पूरे मसाले हम लोग ऐसे ही रोस्ट करना है, इसमें ऐड कर देना है। ये देखिए हमारे धनिया, ये भी 2-3 स्पून लेना है, इसमें ऐड कर देना है। फिर देखिए खोपरा, खोपरा भी 1/2 या 1 ले सकते हैं आप लोग। मसाला कम चाहिए तो 1/2 लेंगे, नहीं तो 1 ले लीजिए। फिर देखिए ये भी इसमें ऐड करना है। और 2 स्पून जीरा लेना है, इनको भी इसमें ऐड करना है। अब देखिए 2-3 स्पून ऑयल डालना है, फिर हमारे ऑनियन को ऐसे फ्राई कर देना है। अब ये जार को लिड लगाना है, ऐसे पीस देना है। अब पाउडर हो गया है रेडी, इसमें थोड़ा वाटर डाल के फिर पीसना है। नेक्स्ट इसमें ऑनियंस डालना है, फिर ऑनियंस को भी अच्छे से पीसना है। ये देखिए हमारा मसाला हो गया रेडी। फिर देखिए 2-3 स्पून ऑयल डाल के एक करेलों को अच्छे से फ्राई करना है, हमारे बॉइल्ड करेलों को अच्छे से फ्राई करना है। इनका कड़वापन छूट गया है पूरा। और देखिए नमकीन करेले रेडी है। नेक्स्ट हमारी करी की बारी है। ये देखिए एक पैन और कढ़ाई लेना है, इसमें 2-3 स्पून ऑयल डालना है, फिर जीरा, राया, करी लीव्स और ये देखिए मसाला जो भी हम ग्राइंड कर रहे हैं वो ऐड करना है। इसमें थोड़ा बहुत सॉल्ट डालना है आपके टेस्ट के हिसाब से। 2 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, फिर 1 स्पून चिल्ली पाउडर ऐड करना है। इनको अच्छे से मिक्स करना है और देखिए 15-20 मिनट्स इनको सिम पे पका देना है। इनकी कच्ची वो जाना है, इनमें पक्की वो आ जाना है। ये देखिए ऐसे जब भी ऑयल अब्जर्व के ऊपर आता है कि समझो आपका मसाला तैयार। ये देखिए हमारे नमकीन करेले इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर दें। फिर देखिए हमारे टैमरिन से टैमरिन पल्प निकालना है, इमली का खट्टा निकालना है, इसमें ऐड करना है। आप लोग को जितना खट्टा चाहिए उतना आप लोग ऐड करिए और देखिए ऐसे मिक्स करना है। 15-20 मिनट्स अच्छे से इसको पका देना है। ज़बरदस्त खुशबू आएगी मसाले के सालन की, अड़ोस पड़ोस के घरों में घुस जाएगी। ये देखिए ग्रीन चिली 2-3 कट करना है। फिर देखिए कोरिएंडर भी हम लोग कट करके ऐसे धनिया को ऊपर से मार देना है। अब देखिए हमारा करी हो गया है रेडी। अब सर्विंग के लिए इन्हें तैयार हो गए हैं। आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बॉइल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए मैं तो रोटी के साथ खा रही हूँ। हमारा कम मसाले से बना हुआ करेले का सालन तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी? इफ़ अच्छी लगी तो लाइक करिए, बहुत ही अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली।